हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे, न्यूक्लियर रिएक्टर पे। मेरा नाम है राजेश पासवान, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन मिलेगा आपको उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक न्यूज़ है। रिसेंटली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान से कुछ हिंदू और सिखों को इवैक्यूएट करके इंडिया ले के आ रही है, क्योंकि वहीं के सिटीज़न हैं। और वैसी बात चल रही है कि उनको इंडियन सिटीजनशिप भी मिल सकती है। तो वो देखते हैं क्या पूरा मामला है, और उसके बाद हम अपनी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ जैसे आप सबको बताया कि अफगानिस्तान में बहुत ही कम हिंदू और सिख माइनॉरिटी बची है, और उन पर भी काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, और ऑलरेडी 700 हिंदू और सिख्स रजिस्टर कर चुके हैं विद द इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान, और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से उनको इवैक्यूएट किया जाए इन इंडिया। तो उनमें से जो पहला बैच है ये इंडिया पहुँच चुका है, और इसमें निदन सिंह भी शामिल हैं। ये रिसेंटली न्यूज़ में थे क्योंकि इनको किडनैप कर लिया गया था कुछ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान में, और बहुत ही मुश्किल के बाद इनको वहाँ से छुड़वाया गया, और अफगान गवर्नमेंट ने भी इनको छुड़वाने में काफ़ी हेल्प करी है। और अच्छा, अब बात निदन यह चल सिंह। रही है कि इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान में रहे तो मोस्ट प्रॉबली इन पर अटैक होते रहेंगे। इनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, टेम्पल्स, गुरुद्वारा जो ऑलरेडी बहुत कम बचे हैं उन पर भी अटैक होंगे। और इंडिया जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि अफगान की जो हिंदू और सिख मिनोरिटी है इनको बचाया जाए, इसको दुनिया भर में रिकॉग्निशन भी मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया ऑफर्स एस्केप टू अफगान हिंदूज एंड सिख्स फेसिंग अटैक्स। और मैं आपको वैसे ये बता दूं कि ऑलरेडी हिंदूज और सिख्स अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम अफगानिस्तान के जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स हैं ये देखें तो अफगानिस्तान की आबादी का 99.97% इस्लाम फेथ को फॉलो करता है, या तो सुन्नी इस्लाम या फिर शिया इस्लाम, और बाकी जो 0.3% है इसमें क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख और कुछ और जो छोटे रिलीजन्स हैं उनके लोग आते हैं। हिंदूज की देखिए आबादी बताया जाता है कि करीब 1000 के आसपास हैं, और 700 के आसपास सिख्स हैं। ये एक ब्रॉड एस्टिमेट है, और आप अगर सोच कर देखें कि इस बहुत ही छोटी पॉपुलेशन से भी 700 हिंदूज और सिख्स इंडिया आ जाते हैं, तो अफगानिस्तान में जो मिनोरिटीज़ हैं ये बचेंगी ही नहीं, ऑलरेडी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, बाकी जो थोड़े बहुत रिमेन्स हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्णय लिया है कि ये लोग अपनी आर्मी को बाहर निकालेंगे अफगानिस्तान से, हमने एक ट्रेंड देखा है अफगानिस्तान में कि बहुत सारे नए रेडिकल ग्रुप्स उभर गए हैं, और ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज को। कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा कि एक सिख गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, और इस अटैक को क्लेम किया था ISIS ने। और अटैक्स के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो बहुत छोटी हिंदू और सिख माइनॉरिटी बची है अफगानिस्तान में, काफ़ी बार उस कम्युनिटी के लोगों को एबडक्ट किया जाता है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनकी आवाज़ कोई इंटरनेशनली सुनता नहीं है। आज के समय उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है ये इंटरनेशनली उठाया जा रहा है। इवन जॉन ऑलिवर जैसे जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी इस पर बातचीत कर रहे हैं, मगर अफगानिस्तान में हिंदूज और सिख्स की जो हालत है उसको लेकर ना कोई प्रॉपर कोई UN की रिपोर्ट आती है, ना कोई बातचीत की जाती है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करेंगे, और ये लोग जो यहाँ पे आज के समय असुरक्षित हैं इनको इवैक्यूएट किया जाएगा टू इंडिया। और अभी के लिए 700 अफगान ही कहेंगे हम क्योंकि अफगान नेशनल्स है ये, मगर बाय रिलीजन हिंदूज और सिख्स हैं, जो आज के समय थ्रेटन फील कर रहे हैं अफगानिस्तान, इनको इवैक्यूएट किया जाएगा और इंडिया लाया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनुराग श्रीवास्तव, ये कह रहे हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ सिख एंड हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडिंग मिस्टर निदन सिंह सचदेवा हु वॉज रिसेंटली रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी रीच दिल्ली टूडे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फैसिलिटेटिंग रिटर्न ऑफ हिंदू सिख कम्युनिटी मेंबर्स सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप इन इंडिया। सो अभी के लिए इनको प्रोवाइड किया गया है वीज़ा ताकि ये इंडिया में रुक पाएँ,
और उसके बाद इनका जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है ये स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इनको इंडिया में सिटीजनशिप किस रूट से मिलेगी, क्या यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कुछ रोल होगा। वेल देखो, अभी के लिए कुछ मीडिया आउटलेट्स इंक्लूडिंग द हिंदू ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर CAA का भी रोल हो, मगर अभी के लिए कुछ ऑफिशियली कन्फर्म हुआ नहीं है। सो आप सबको बताया कि मेरा काम करने का तरीका ये है कि जब तक कोई बात ऑफिशियल होती नहीं है मैं वीडियो में उसको कन्फर्म करता नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर CAA का रोल कितना होगा उस पर अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। हालाँकि मैं आपको ये बता दूँ कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर CAA के थ्रू भी इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए। इवन दो यहाँ पे आप कहेंगे मगर ये तो 2014 के बाद आए हैं, और आप अगर नोटिफिकेशन देखो इस एक्ट की तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू सिख बौद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 एंड हु हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय और अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एंट्री एक्ट ऑफ इंडिया 1920 और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फॉरनर्स एक्ट 1946 और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल बी नॉट ट्रीटेड एज एन इलीगल इमिग्रेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो ये मैंने आपको बताया है कि नोटिफिकेशन क्या कह रही है, बाकी होता क्या है, सरकार ऑफिशियली क्या बोलती है उस पर एक अलग से वीडियो या तो मैं ले आऊंगा या फिर कोई और स्टडी आई क्यू की फैकल्टी आपके लिए ले आएगी। नाउ इसके एक दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। अफगानिस्तान में जो ये सब अटैक हो रहे हैं क्या ये तालिबान कर रहा है? पहले एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे ये न्यूज़ आई है कि ये जो मिनोरिटीज़ हैं ये अफगानिस्तान छोड़ के अब इंडिया जा रहे हैं, तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि ये लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये काफ़ी मलेशियस स्टेटमेंट है, मगर नहीं, ये कह रहे हैं कि जेन्युइनली हम डिसअपॉइंटेड हैं। और आगे ये कहते हैं वी डोंट थिंक दे मतलब कि हिंदूज एंड सिख्स लीविंग द कंट्री इज अ सोल्यूशन बट वी अंडरस्टैंड दैट ऑल अफगान्स हैव सफर्ड फ्रॉम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। आगे ये कहते हैं कि जो ये अटैक हुआ है गुरुद्वारा पे रिसेंटली और बाकी जो अटैक हैं ये सब कर रहा है आईसिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तालिबान भी कह रहा है कि काफी अटैक्स आईसिस कर रहा है माइनॉरिटीज पर, यहाँ पे इनका कोई रोल है नहीं। तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इनके हिसाब से जो इनके शब्द हैं ये कह रहे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम मिलती है और वो कम्प्लीटली सेफ हैं। तो तालिबान यहाँ पे कौन से आईसिस की बात कर रहा है जो आज के समय अफगानिस्तान में उभर रहा है, इसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार आपको बताया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं आईसिस खुरासान प्रोविंस की। आईसिस इराक और सीरिया में काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब इनका फोकस है कि ये लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट्स में ग्रो करें। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि बस ये एक छोटा सा ग्रुप है जहां पर 1,000-2,000 लोग हैं। आईसिस अपने साथ एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट विचारधारा को प्रमोट करता है फ्रॉम इंटरनेट और भी वेरियस वेबसाइट्स। और हमने देखा है कि इवन इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री में भी बहुत से लोग हैं, बहुत से भटके हुए नौजवान हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट नंबर में आईसिस को ज्वाइन कर लिया है। ज़्यादातर जो ये लोग हैं ये होते हैं फ्रॉम केरला या कर्नाटका, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बोला है यूएन की रिपोर्ट ने ऑन टेररिज्म। तो देखो ये एक काफ़ी वरिंग बात है कि अफगानिस्तान में जो विचारधारा माइनॉरिटीज पर अटैक कर रही है उसका इन्फ्लुएंस आज के समय इंडिया में भी आ चुका है और पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस राइज कर रहा है। रिसेंटली मुस्लिम क्लरिक हैं एक लाहौर में, उन्होंने थ्रेट किया है सिख कम्युनिटी को और कहा है कि ये गुरुद्वारा का लैंड ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि आईसिस की विचारधारा स्लोली बट श्योरली फैल रही है और इसके लिए नीड ये है कि इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी डोमेन्स हैं जो इनकी विचारधारा फैलाते हैं वो एटलीस्ट साउथ एशिया में ब्लॉक करने चाहिए। आईसिस के एक्चुअली पेजेस आपको वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी मिलेंगे, इनका प्रोपेगेंडा वहाँ से भी फैलता है। सो नीड ये है कि इनके प्रोपेगेंडा को टाइम से कर्व किया जाए, नहीं तो इन द फ्यूचर आईसिस खुरासान प्रोविंस अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी डैमेज कर सकते हैं और काफ़ी रेडिकलाइजेशन भी फैला सकते हैं। So right now, this is the end of this video. Thanks for listening and as always, God bless you all. तो फ्रेंड्स ये थे वीडियो, और इस वीडियो को देख के मुझे दो तरह की फीलिंग्स आ रही है बेसिकली। एक तो उन माइनॉरिटीज पे जो अफगानिस्तान में है उन पे तरस भी आ रहा कि उनकी हालत कितनी ख़राब है, और दूसरा डर भी लग रहा है कि ये जो आईसिस खुरासान जो अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ एक आईसिस की तरह की
आइडियोलॉजी काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पर जो है उभर के आ रही है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बड़ी शॉकिंग लगी, वो ये है कि तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान, सब जानते ही होंगे उसके बारे में कि वो कितने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और वो कह रहा है कि मतलब वो तरह से दुख जाहिर कर रहे हैं कि मनाई उठी जा रही है, हमको नहीं जाना चाहिए। अब ये सुन के मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा, और उसके बाद मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है कि लास्ट में जो इस वीडियो में लिखा हुआ था, जहाँ ISIS की जो स्टेटमेंट थी वो दिखा रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि हमारे कंट्रोल में जो एरिया है वहाँ पर हम इक्वल राइट देते हैं हम माइनॉरिटीज़ को। तो यहाँ से मुझे लगा कि वो थोड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान जो है, तालिबान और जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं। तालिबान चाहता है कि वो एक्चुअल में रूल करे पूरे अफगानिस्तान को, और तो वो स्टेटमेंट ना जो तालिबान ने दी कि माइनॉरिटी को हम इक्वल राइट्स देते हैं, जोड़िया उनके कंट्रोल में आते हैं, तो वो थोड़ा, तो मुझे ना थोड़ा उसमें पॉलिटिकल एंगल लगा कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा जो हमारी जो गवर्नेंस है वो अफगानिस्तान की एक्चुअल गवर्नमेंट से बेटर है, हम माइनॉरिटीज़ को यहाँ इक्वल राइट देते हैं। और तो मतलब एक तरह से वो थोड़ा अपना ना गुडविल सा जो है वो एक अच्छी इमेज वो अपने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, और जो अभी इन्होंने इस वीडियो में दिखाया कि निदान सिंह भी वापस आ रहे हैं, ये न्यूज़ मैंने पहले भी सुनी थी, निदान सिंह को गुरुद्वारे से उठा लिया गया था, फिर उनको बड़ी मुश्किल छुड़ाया गया, और उनका एक वीडियो भी न्यूज़ में काफ़ी आया था जिसमें बता रहे थे कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, और मतलब कैसे वहाँ पर जो जो प्रेशर दिया जाता है बहुत तरह से, फोर्सफुली और मेंटली भी, कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ वरना तुम्हारी लाइफ वहाँ सेव नहीं है, ऐसा ऐसा न्यूज़ में था, और वो खुद भी बोल रहे थे, और जो बाकी जो सिख वहाँ से आए हैं वो भी बोल रहे थे। अब ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई किसी भी कंट्रीज़ में अलग अलग आइडियोलॉजी वाले बंदों का होना उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है ना कि हर किसी पे कोई एक फोर्स या एक फोर्स ही कह लो, फोर्स होनी चाहिए जो उसके ऊपर डंडा रखे। जैसे हम डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी अपनी पावर से गलत इस्तेमाल ना करे, ज़्यादा मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ ना जाए, उसके लिए वो एक अपोजिंग होती है ना, अपोजिंग पार्टी होती है। तो वैसा ही हर देश में ना अलग अलग आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही आइडियोलॉजी अगर एकदम पूरे देश में एक ही तरह की आइडियोलॉजी फॉलो की जाएगी, तब उस देश में मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ अफगानिस्तान में सिर्फ इस्लाम रहेगा, कोई और माइनॉरिटी नहीं रहेगी, तो वहाँ वहाँ पर पूरी तरह से ना एकदम जो है एक्सट्रीमिज्म, कट्टरपंथ तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और फिर जानते ही हैं कि आपको फिर समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि फिर क्या क्या हालात हो सकते हैं। और ये जो ISIS खुरासीन है जो अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान और इंडिया में आ रहा है, क्योंकि सीरिया और ईरान से तो ISIS ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, तब वो चाहता है कि वो कहीं किसी और देश में जाके अपनी जड़ें मजबूत करें, तो वो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ देख रहा है। और जो केरला का एरिया है, मैंने भी सुना है काफ़ी, तो केरला में जो नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, और ज़्यादातर बंदे वहीं से रिक्रूट होते हैं ISIS के लिए, तो गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आगे जाके बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं वो रेडिकलाइज हो जाएंगे, और फिर ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और फिर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली इसको हैंडल करना चाहिए। और जो ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि कर्नाटका और केरला जहाँ पर ज़्यादा ISIS की रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ के लोगों को भी अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखना चाहिए कि ये उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं देंगे कि भाई कोई उसका जो पड़ोसी है या फिर कोई उनका नोन का बंदा है वो तो किस तरह के एक्टिविटी में जा रहा है, तो आगे जाके वो जो अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में चला गया किसी टेररिस्ट में और उसको पहले नहीं रोका गया, तब तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, ये
लोगों की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए। तो और एक और पॉइंट बड़ा है, वो लगा कि इसमें जो सिटीजनशिप देने की बात हो रही है इन लोगों को, वो CAA के थ्रू भी इनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। वैसे ये बात क्लियर नहीं है जैसा स्टूडियो में दिखाया गया, पर शायद CAA का रोल भी हो सकता है इसमें। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। चलो ये था वीडियो, और आपको ये मेरा रिएक्शन कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी किस नेक्स्ट वीडियो पे आपको कैसा रिएक्शन चाहिए, या मतलब किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, आप मुझे वो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज करके या कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके रिकमेंड की हुई वीडियो पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, रखते हैं, बाय बाय।